हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन फॉर क्लास 11 सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, जो भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाऊं, पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते चलो, इस वाले क्वेश्चन का। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं जरा। अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स टू सेंड सम ऑफ इट्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 टू एन एजुकेशनल टूर। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 10 आर टू बी चूजन फॉर द टूर। There are three friends, Rajesh, Shreya and Deepa, who decide that either all of them will join or none of them will join. All of them will join or none of them will join the tour. Based on the given information, answer the following questions. So, यहाँ पहला question क्या है? In how many ways can the students be chosen for this educational tour if these three friends will not join? देखो यहाँ पर इन तीनों फ्रेंड्स ने क्या कंडीशन बताई है कि या तो हम तीनों जाएंगे या हम तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स को हमें टूर के लिए लेके जाना है। अब अगर ये तीनों फ्रेंड्स टूर के लिए नहीं जाएंगे तो भी टूर पर 10 बच्चे तो जाएंगे ही, लेकिन अब क्या है, मुझे 25 में से 10 बच्चे नहीं लेने होंगे, क्योंकि तीन स्टूडेंट्स राजेश, श्रेया एंड दीपा इन्हीं 25 स्टूडेंट्स में इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली अब ये तीनों नहीं जाएंगे, तो मेरे पास 22 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को चूज करने का ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, इसके लिए आंसर क्या आएगा, 22C10। बस इसका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर मुझे बता देना। ठीक है बच्चों, अब जरा सेकेंड पार्ट में देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। In how many ways can the students be chosen for this educational tour? अब देखो यहां पर दो बातें आ गई। पहली बात, अगर ये तीनों नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, प्लस अगर ये तीनों टूर पे जाएंगे तो कैसे होगा। अब अगर ये तीनों नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, प्लस अब अगर ये तीनों स्टूडेंट्स यानी तीनों फ्रेंड्स टूर के लिए जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ ये तीनों तो जा ही रहे हैं, है ना, यानी 3C3, इन तीनों को तो पक्का जाना है। तो इन तीनों को उठा के बस में आपने बैठा दिया। अब आपके क्लासरूम में 22 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 7 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि टोटल 10 में से 3 स्टूडेंट्स पहले ही बैठ चुके हैं। अगर वो तीनों पक्का जाएंगे तो तीनों बैठ चुके हैं जाके बस में, समझे मेरी बात। यानी यहां पर बचे हुए 22 स्टूडेंट्स में से मुझे 7 स्टूडेंट्स और चाहिए होंगे, तो इफेक्टिवली यहां पर आएगा 22C10 प्लस 22C, क्योंकि 3C3 तो 1 हो जाएगा। अब इसको भी आप फाइनल कैलकुलेट करके मुझे आंसर एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।